नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जीके टिप्स बाय आरएम उपाध्याय। और इस वीडियो में क्या है, लगातार तीन वीडियो आपको देखनी पड़ेंगी, तब क्या हो जाएगा, गोदावरी की सहायक नदियां, कृष्णा की सहायक नदियां, कावेरी की सहायक नदियां। अब सीधा प्रश्न नहीं आता है, एक नहीं पूछता, निम्न में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी है ये नहीं पूछता। निम्न में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां, एक और दो, एक दो तीन, एक दो तीन चार, इनमें से कोई नहीं, ऐसे प्रश्न बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब तो सारी की सारी ही याद करनी पड़ेंगी। ये वाली जो ट्रिक आपको मिलेगी वो भूगोल की किताब मेरी दिसंबर में आने वाली है, भूगोल स्पेशल, केवल जियोग्राफी की किताब, उसमें मिल जाएंगी इंद्र, ये वाली गोदावरी वाली, कृष्णा वाली, कावेरी वाली, और बाकी की ये किताब तो अभी भी अवेलेबल है। और ये किताब जीके ट्रिक्स की चार हैं, जिनसे स्टैटिक जीके आपको याद हो जाएगी, और यूपीएससी ट्रिक्स की दो, पार्ट वन पार्ट टू, और हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, आपको कुछ भी जो कन्फ्यूजनिंग होता है एक बार पढ़ने के बाद याद रहेगा, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा। इनमें बड़ा कन्फ्यूजन होता था, देख लीजिए इसे ध्यान से। तो पहले तो जान लें, गोदावरी महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, प्राणहिता, मंजीरा या मजार्या या मंजीरा करके उस नाम है इसका, ये इंद्रावती, पूर्णा, प्राणहिता, वर्धा इसकी सहायक नदियाँ हैं। महाराष्ट्र में बहती है, तेलंगाना में बहती है, आंध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अभी दो तीन इंपॉर्टेंट बात और भी हैं। देखो, इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ की नदी है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से निकलती है। इंद्रावती वन अभयारण्य भी छत्तीसगढ़ में स्थित है, और चित्रकूट जलप्रपात जो है, जिसे भारत का नियाग्रा कहते हैं, ये इंद्रावती नदी पर स्थित है। उड़ीसा में इसका उद्गम है, किसका, इंद्रावती नदी का। इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। तो वहां बस ये याद रखिएगा कि इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी जरूर है, लेकिन इंद्रावती वन अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगली वीडियो में मैं आपको कृष्णा की सहायक नदियां ऐसे ही ट्रिक से याद करा दूंगा, कावेरी की भी दे दूंगा, मैंने दे दिया आदि है, लेकिन उसे पूरा कर दूंगा। ठीक है, समझते हैं। देखिए, इंद्र की गोद में मंजरी के प्राण निकल गए, इंद्र की गोद में। प्लीज भैया, अगर ट्रिक आपको काम कर जाए, आपको लगे कि जितने भी प्रश्न गोदावरी से संबंधित सहायक नदियों के और उद्गम स्थल वाले हैं वो इससे सॉल्व हो रहे हैं, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ भैया काम चल गया, धन्यवाद देने में आपका कुछ नहीं घाटा, इसमें आपका कोई घाटा नहीं, बस लाइक और कमेंट चाहिए। इंद्र की गोद में मंजरी के प्राण निकल गए, मंजरी नाम की एक लड़की है, इंद्र की गोद में है, उसके प्राण वहाँ निकल गए हैं। इंद्र का मतलब इंद्रावती नदी, किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। मंजरी, माजरी या मंजरी किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। प्राण, प्राण का मतलब पूर्णा नदी, और प्राणहिता नदी किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। ये सभी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अगली वीडियो में कृष्णा की सहायक नदियां हैं, कोयना, यरला, पंचगंगा, भीमा, घाट प्रवाह, महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा की सहायक नदियां। कृष्णा को मैं आपको याद करा दूंगा, चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर यूपी ट्रिक्स की फ्री पीडीएफ चाहिए, राजस्थान ट्रिक्स की फ्री पीडीएफ चाहिए, तो इन दो नंबरों पर संपर्क कर लीजिए, 9997295322, 7417444554। हैव अ नाइस डे, बाय।